आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सुखवासी गांव के संतोष कुमार ठाकुर की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली पुत्री भाव्या कुमारी ने विद्यालय की ओर से मिली छात्रवृत्ति एवं पोशाक की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम किया, जिसमें इस विषम परिस्थिति में किसी जरूरतमंद निस्सहाय लोगों का मदद हो सके। हरलाखी के सुखवासी गाँव के संतोष कुमार ठाकुर नामक किसान जो खेती मवेशी पालन कर अपने परिवार का भरण पोषण एवं अपनी पुत्री को पठन पाठन करवाते हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री 1 अप्रैल जन्मदिन के अवसर पर पोशाक छात्रवृत्ति की राशि आने की खुशखबरी दी। पिता पुत्री दोनों ने टीवी पर समाचार देखकर प्रधानमंत्री राहत कोष में देश के लिए छात्रवृत्ति व पोशाक राशि को डोनेट की। टीवी पर अकाउंट नंबर देने के बाद पिता अपने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय पुत्री भाव्या की मिली छात्रवृत्ति पोशाक की राशि पिता ने अपने पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री राहत कोष में 1011 रुपए भेज कर देश की सहायता कर नैतिकता का संदेश दिया। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? भाव्या ठाकुर। किस कक्षा का छात्र? 4। कहाँ पढ़ाई करते हैं? बुनियादी स्कूल गांव का। आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दिया, इतना अच्छा काम हुआ, क्या सोचे आपने, कैसे चला है? हम लोग मम्मी पापा के साथ समाचार देख रहे थे, उसमें जो दे रहा था कोई 1 करोड़ दे रहा था, कोई 2 करोड़ दे रहा था। हम भी पूछे पापा से पैसा क्यों देता है, तो पापा बोले कोरोना महामारी का, जिससे गरीबों का भला। तो फिर हम मेरा जो छात्र पोशाक वाला पैसा आया था, हम पापा को बोले पापा वो प्रधानमंत्री को नहीं दे सकते, तो पापा बोले क्यों नहीं दे दो। तो किस दिन आपने सोचा ऐसा? 1 अप्रैल मेरे जन्मदिन के अवसर पे। अपने जन्मदिन पे सोचा, इसके बाद पैसा दिए प्रधानमंत्री आपको पैसा दिए आप? बहुत अच्छा जी। ये जब इसका 31 तारीख को 31-3 में यानी मार्च में इसका पैसा आया, इस बात की जानकारी हमने इसको 1 अप्रैल उसका जन्मदिन था उस पर बताया कि भव्या 1000 रुपया तुम्हारा आया है। तो फिर हम लोग लगातार अभी लॉकडाउन में टीवी ही देखा करते हैं, जैसे कि टीवी में दिखाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री राहत कोष में इतना फंड आया, इतना फंड लोग दे रहे हैं, इस पे इसकी जिज्ञासा जगी जे हम लोग भी क्यों ना दे। तो फिर मैंने बताया मैं तो उतने पैसा वाले में से हूं नहीं, मैं कहां से। तो उन्होंने बताया कि जो पापा ये छात्रवृत्ति और क्या कहते हैं पोशाक के नाम पे पैसा आया है, इसे दे सकते हैं। हम कहा दे सकते हो, 100 रुपया भी लोग देते हैं, आप दे सकते हैं इसे। तो उसने बताया तो मुझे भी लगा जो हाँ ये कुछ अच्छा करने की सोच रही है, और अभी से इसका मतलब कि अगर कोऑपरेटिव माइंड है तो मैं क्यों ना इसका सपोर्ट करूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।